चेरी वहां पे खड़ा हूं ना, तूने बोला ओए यहां से जा। काफी इंतजार के बाद अब आई है ट्रेन। मेरे को 1.5 घंटे हो गए थे वेट करते करते ऑफिस के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आना। मैं फाइनली ट्रेन में आ गया हूँ। तो मेरी जो ट्रेन है विच इज शताब्दी एंड अप्रॉक्स जो टाइम दिखा रही है वो मूव करने वाली है 6:10 पे एंड देन वी आर गोइंग टू अराइव एट जयपुर अराउंड 11 o'clock। तो मैं तो भाई सोने वाला हूँ क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद हमारे लिए चाय आई, लेकिन चाय भी पूरी तरीके से नहीं आई यार। चाय भी हमें खुद ही बनाना था। एक बस दूध का पैकेट, बिस्किट, पानी और चाय पत्ती पकड़ा दी, बस चूल्हा दे देते और हम वो भी हम खुद ही कर लेते, लेकिन उतनी मेहरबानी छोड़ दी इन लोगों ने। और मैंने एक चाय बनाई अपने लिए। थोड़ी देर बाद मैंने चाय का एक सिप लिया। सिप लेते ही मैंने बोला ये तो टट्टी है। को ख़त्म करने के बाद अपन थोड़ा सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सोने के थोड़ी देर बाद ही कि वहाँ पे खाना वाना लेके आ जाते हैं और मेरे को भूख भी लगी होती है तो भाई अपन रुक नहीं पाते हैं और तुरंत ही खाते हैं ये एक थोड़ा सा बारिश और व्यू एंजॉय करते हुए जो प्यारा लग रहा था मौसम के साथ। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन तेज़ हो रही थी हमारा वहाँ पहुँचने का टाइम हो गया था, तुरंत ही मैं अपना सामान लेके जो मैंने से बैग ही कैरी कर रखा था ऑटो में जाके बैठा। वहां पे खड़ा हूं ना, तूने बोला ओए यहां से जा। क्या था तू करने वाला? तू कर बोलने वाला कौन होता है? मना किया ना? आपको मना किया ना? आप करके पहले बात करता ना, ये तमाशा नहीं करता। अरे छोड़ दे यार, चुपचाप रह, साइलेंट रह, जितना है उतना रह, ठीक है? आपसे मैं कुछ नहीं बोल रहा। आपसे कुछ नहीं बोल रहा। यहाँ से कैब वाले मतलब भैया ने मना करा उसको यहाँ से निकलने के लिए और बोला कि घूम के जाने के लिए क्योंकि यहाँ से एंट्री अलाउड नहीं है। तो वो उस चक्कर में उससे बहस करने लगा। बताओ इतनी सी छोटी सी बात के लिए कौन बहस करता है? लोगों में फालतू की जब बैठा जाती है ना तब ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ तो भाई पूरा पानी भर गया है, यहाँ पर भी लगता बहुत बारिश हुई है। अभी चलते हैं भैया से मिलने के लिए। चेरी, शिट, हाय भाभी जेडी तो यार मतलब पागल ही हो गया मेरे से मिलके, क्योंकि एक तो इतने दिनों बाद में उससे मिला था और वो मेरे साथ टग ऑफ वॉर खेलने के लिए तुरंत ही आ गया। क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे रहता था सुबह सुबह इसके साथ खेलने का तो मेरा हमेशा का रूटीन था। तो मैंने उसको बहुत प्यार किया, उसको बोला कि थोड़ी देर में खेलेंगे लेकिन उससे पहले यार फ्रेश होना ज़रूरी है। तो मैंने बैग से अपने थोड़े कपड़े निकाले, सामान निकाला एंड देन मैं गया सीधे वॉशरूम। नहा धो के अपन पूरा सेट हो गए हैं। भैया भी गया हुआ है यार बाहर क्योंकि उसको गाड़ी में सर्विस को देनी थी तो वो निकल गया है। लेकिन ये वाला रूम जो था वो थोड़ा चेंज हो गया, देख रहे हो ये एक डबल बेड लग गया है यहाँ पे और जो यहाँ पे था उसमें भैया ने माइका लगा दिया, बड़ा मस्त लग रहा है ये वाला। और स्लाइडिंग डोर में लॉक भी आ गया तो अच्छी चीज़ है। तो अभी भाभी ने मेरे लिए सैंडविच विथ स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाए हैं। जेडी भी था अभी मेरे आगे पीछे घूम रहा था, मेरे खाने के फिराक में था वो, लेकिन मैंने अपना खाना बचा लिया है और अभी मैं इसको खाऊं। अरे देखा आ गया। ए नो बड़ी बड़ी स्टे आपके, वो देखो वो बन रहे उधर, उसमें चला जाएगा फिर आपका। ये जेडी कैसा दोस्त है यार जिसमें जो तेरा है वो मेरा है, उसका ऐसा वाला सीन रहता है। तो मैंने उसको लास्ट में थोड़ा सा अपना खाने को खिला देता हूँ। लेकिन जेडी से मिलने के बाद मैं मिला बाबू से और बाबू ने मुझे ऐसे ग्रीट किया पूरा। सब खाना है, सब खाना है, चुप 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 खाना है, चुप कौन है, चुप कौन है,
अच्छा वाओ माय टाइप बैग वायर्स की क्वालिटी तो बड़ी मस्त है कहाँ एम्स्टरडम से जेडी इसको चबाओ सर बेसिकली भैया गया था यूरोप की ट्रिप पे वो बताता हूँ और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आया है वो भी मैं जो भैया दिखा रहा था तो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली वो कहाँ कहाँ गया था तो वो गया था बर्लिन सेकंड गया था इबिजा फिर गया था एम्स्टरडम पूरा मस्त यूरोप की ट्रिप काट के आया और ये सारे मैग्नेट्स वो चिपकाने के लिए लेके आए और ये है मेरे लिए टी शर्ट दो टी शर्ट एक भैया शुभम भैया के लिए एक मेरे लिए ये मेरे लिए एक भैया ने बैग खरीदा है मतलब थोड़ा वैसा पार्टी लुक वाला बैग है जैसा मुझे पसंद भी है एंड मम्मी के लिए लिया है एक हैंड बैग जो बहुत ही मस्त क्लासी सा है ठीक है मम्मी को भी पसंद आएगा और चॉकलेट्स भी दिखाता हूँ जो वो लेके आया है तो जो वो थे मैग्नेट्स वो ऐसे लग जाएंगे फ्रिज पे ये एक ही बचा था अलग ये जो चॉकलेट था यार ये बेस्ट चॉकलेट लगा मेरे को क्योंकि इसकी एक बाइट लेते ही क्रंच और अंदर जो न्यूट्रल था वो दोनों ही आ गया यार मतलब बेस्ट और ये जेडी भी आ गया था साथ में भाभी ने बनाया राजमा राइस वो क्या पनीर